ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर संत कबीरनगर से है, जहां लोकसभा 62 से प्रत्याशी प्रवीण निषाद के समर्थन में विधानसभा 312 मेंदावल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने शासन काल में राम भक्तों पर गोलियां चलवाती थी और आज अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है। जिन आतंकवादियों ने राम मंदिर पर आतंकी हमला किया था, इन लोगों ने उनके मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। आज देश की जनता कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम योगी ने उपस्थित जनसभा को संबोधित किया तथा लोकसभा 62 से प्रत्याशी सांसद प्रवीण निषाद के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने 4 करोड़ गरीबों के मकान बनवाए हैं, वहीं तीसरी बार सरकार में आने पर 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख की सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे माननीय विधायक सलील त्रिपाठी जी, अंकुर राज तिवारी जी, श्री गणेश चौहान जी, पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल जी, जय चौबे जी, वेद प्रकाश सिंह जी, चंद्रशेखर पांडे जी, संजीव राय जी, भारतीय जनता पार्टी के और निषाद पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी इस खल्लाबाद लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित बहन और भाइयों, बाबा तामेश्वर नाथ की इस पावन धारा को जिसने संत कबीर जैसे संतों के माध्यम से इस धरती के महत्ता को दुनिया के सामने रखा, पावन रूप से इस धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और इन 5 चरणों में देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश में भी अब तक 53 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जनता के मन में जो उत्साह है, 4 जून को क्या होने जा रहा है, ये पहले से ही जनता जनार्दन के सामने पहले से स्पष्ट है और जनता जनार्दन पूरे देश के अंदर एक स्वर में बोल रही है कि फिर एक बार थोड़ा खजलावास की आवाज में लगाइए। मैदावल की आवाज, मैदावल की आवाज कैसी गूंजती थी, अच्छे अच्छे लोग खड़ा जाते थे जब हम लोग यहां कार्यक्रम करते थे। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार जाएंगे। आपकी कहां से आप लोग आए थे, क्या नाम है आपका? परवीन निषाद के लिए आई थी आप, किसको वोट करेंगी आपकी, क्या नाम है आपका? लगना क्या स्पष्ट है कि पूरी तरह से प्रवीण निषाद 1.5 लाख मतों से जीत रहे हैं। और कितना भीड़ रहा होगा लगभग आज जनसभा में? आप तो देख नहीं रहे हैं। मैं देख रहे हैं, लगभग धनघंटा देखा गया, आज यहाँ देखा गया 50,000 की भीड़ थी, रोड पूरा जाम है, कई दूसरे आदमी को जाने की जगह नहीं मिल रही है, पूरा स्पष्ट है। मोदी जी 7-8 लाख की पर्चियां हैं। किसके जनसमर्थन में आए हैं आप? माननीय प्रवीण निषाद जी सांसद जी के जनसमर्थन में हम लोग आए हैं और हमारे यहाँ से काफी विशाल संख्या में लोग आए थे, लगभग 250-300 लोग थे हमारे गाँव से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश प्रताप सिंह है, मैं मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।